दोषियों के वकील क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त सुनाते हैं जरा। अवेल की जाएंगी क्योंकि अक्षय कुमार सिंह की तरफ से इस केस में रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर के लिए पेंडिंग है, इसलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी इंफॉर्मेशन यहां की कोर्ट में आई हुई है कि पहले उस पिटीशन को सुना जाएगा, उसके बाद आगे की प्रोसीजर आगे की सुनवाई होगी। क्योंकि हमारी, मैंने कोर्ट को सूचित कर दिया, लिस्ट बना के दे दी कि हमारी अभी जो लीगल रेमेडी बाकी है वो सारी स्पष्ट है, क्लियर है। अक्षय कुमार सिंह की रिव्यू पिटीशन डिसाइड होने के बाद पहले तो हमें आशा है कि उसमें हम सक्सीड करेंगे, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो अलाउ होगी, और उसके बाद भी अगर कुछ गलत होता है तो हम उसके खिलाफ उसमें क्योरेटिव पिटीशन अक्षय कुमार सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता की तरफ से लगाएंगे। और दूसरी जो हमने बात कही कि जुवेनलिटी का डिसीजन अभी दिल्ली हाईकोर्ट को करना है, क्योंकि पवन कुमार गुप्ता की डेट ऑफ बर्थ स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक घटना के दिन नाबालिग था, तो हमने वो जो पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में लगा रखी वो डिसाइड होनी है। दूसरी पिटीशन अक्षय कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा की तरफ से जो लगी हुई है दिल्ली हाईकोर्ट में वो भी डिसाइड होनी है। कंप्लेनेंट अभिनंदन पांडे ने जो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर, रुपए ले लेकर 2013 में गवाही दी, बयान दिए, स्टेटमेंट दिए, वो पिटीशन भी आज यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर भी सुनवाई होनी है। और इन सब के बाद ही फिर अक्षय कुमार, पवन और विनय की तरफ से क्योरेटिव पिटीशन पड़ेगी, और उसमें भी हम सक्सेस नहीं होते हैं तब कहीं जाके हम मर्सी पिटीशन देश के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ लगाएंगे। जो विनय शर्मा की मर्सी पिटीशन की अफवाह फैलाई गई थी वो लगी हुई है, वो पूरी तरह से झूठी है, उस पर ना सिग्नेचर है, ना उसके थंब इम्प्रेशन है, वो बीए पास लड़का पढ़ा हुआ है, ना उसके लिखी हुई है, वो गलत है, जिसके बारे में हम सूचना आज हमने माननीय अदालत पटियाला हाउस कोर्ट को भी दे दी है, और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, मिनिस्ट्री ऑफ एमएचए को, और दिल्ली सरकार को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे चुके हैं, उस बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन। अब इस केस की अगली सुनवाई यहाँ 18 दिसंबर को होगी।